जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको सैनिक ग्लोबल एकेडमी के रैंकर से, जिन्होंने हरियाणा नहीं, बिहार नहीं, यूपी नहीं, पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया ली है 24 रैंक और 43 रैंक। तो मेरे सामने है अक्षय और अक्षय के फादर, और उसके साथ है करण, करण जो जिसकी 24 रैंक आई है और अक्षय 43 रैंक आई है पहले ही अटेम्प्ट में। इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल की बात होती है कि पहले ही अटेम्प्ट में वो भी क्लास 9th के लिए 43 रैंक लेना। तो कैसा फील हो रहा है अक्षय? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कुछ अलग फीलिंग आ रही है? अच्छा। करण कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था ये मुकाम आप हासिल करोगे? नहीं सोचा था, लेकिन आपकी मेहनत। नहीं, बच्चों की भी मेहनत होती है, पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है, बच्चों की भी मेहनत होती है। तो करण क्या स्कोर रहा बेटा आपका ऑल ओवर इंडिया? 380 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400। तो रैंक क्या आई है आपकी? AIR। तो अब AIR बोलते हैं बच्चे, अब ये नहीं बोलते 24, AIR ऑल ओवर इंडिया रैंक 24। अच्छा अक्षय आपका क्या स्कोर रहा? सर मेरा 374 है आउट ऑफ 400। अच्छा, तो सोचा था अक्षय पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन के साथ साथ रैंक भी लेना? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। ये सोच के आए होंगे कि हाँ हमें सैनिक स्कूल पास करना है, है ना, सैनिक स्कूल जाना है, अच्छे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। ये तो सब सोच के ही आते हैं क्योंकि उम्मीदों के साथ आप अकेडमी पे आते हो, पर ये सोचा था कि रैंक के साथ पहले ही अटेम्प्ट में आप निकाल के लेके जाओगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, लेकिन पढ़ाई भी अच्छी हुई यहाँ पे कि निकल गया सर। जी जी जी, आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना आ जाएगा, क्योंकि पहला अटेम्प्ट था, पहली बार OMR फेस की। आज से पहले OMR पेपर दिए थे कभी? पहली बार यहाँ के OMR फेस की OMR पेपर भी हमें देना होता है। OMR की प्रैक्टिस रही काफी ज्यादा, ठीक है। तो ये है अक्षय के फादर, और पूछते हैं उनका कि कैसा फील हो रहा सर आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोचा था आपने कि अक्षय में इतना टैलेंट भी है? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा, ये नहीं रहता था कि पहले अटेम्प्ट में ही ये, अब वो भी रैंक के साथ पास करना। हाँ, ये तो उम्मीद लेके आप आए होंगे कि हाँ सिलेक्शन करवाना हो जाएगा मेरे बच्चे का, अगर पढ़ेगा तो सैनिक स्कूल में आसानी से हो जाएगा अगर पढ़ेगा तो। यही के भेजा था कि पहले उसमें सैनिक स्कूल में आ जाए। हाँ, ये उम्मीद नहीं थी कि रैंक के साथ आ जाएगा, कि पहले अटेम्प्ट में रैंक के साथ लाना वाकई में एक अपने आप में अचीवमेंट की बात होती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप पूछना चाहोगे कुछ? अच्छे, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी सैनिक ग्लोबल एकेडमी में तैयारी के दौरान? सर स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी थी। सुबह को सर आते थे, सर 6:30 बजे उठाते थे, 6 बजे उठने के बाद 6:30 से क्लास चलती थी 7:30 तक, और एक टीचर रहता था हमेशा जो हमारे डाउट सॉल्व करता था। फिर ब्रेकफास्ट, फिर 8 से 10 तक क्लास चलती थी हमारी साइंस की, फिर 10 से 1 तक 2 तक क्लास चलती थी, फिर 2 से 3 का खाना होता था, और फिर सर प्रिंसिपल जिन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा पढ़ाया था, 3 से 5 उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, और ऐसे ही रात को मतलब सेल्फ स्टडी तक 1 बजे तक हम लेते थे। तो एक बजे तक आप जगते थे? आपने सोचा था कि बच्चा मेरा सुबह 6:30 बजे उठ रहा है और 1 बजे तक, क्योंकि घरों में नॉर्मल बच्चे इसकी एज के 14 भी अभी नहीं हुई है ना शायद सर, 14 क्रॉस होने वाली है अभी, 13 से 14 के बीच में इसकी एज है, और मतलब 13 से 14 घंटे बच्चे ने पढ़ाई की है। अभी तो लोग देखेंगे, सभी पेरेंट्स जो व्यूअर्स हैं जो सारे देखेंगे कि बच्चे का ऑल ओवर AIR 43 आई है, करण की 24 आई है, पर इनके पीछे इनकी मेहनत देखो, इनकी डेडिकेशन देखो कि 13-13 घंटे ये पढ़े हैं तब जाके उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। सर यहाँ पे तो ये उठ भी जाता था 6 बजे, लेकिन गाँव में तो 10 बजे उठता है। छुट्टी वाले दिन ज्यादा छुट्टी होती होगी, स्कूल जाता होता होगा। अब यहाँ पे आके तब इसकी आदत बदली है, तब ये बिहेवियर चेंज भी आए हैं, बिहेवियर चेंज भी आते हैं, ये पूरा चेंज हो गया। हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना बच्चे, खुद से नहाना, खुद से करना, खुद से खाना लेना, क्योंकि घरों पे तो जो हमारी मुलियाँ होती है ना बच्चों की, वो बहुत उनके लाडले होते हैं बच्चे, क्योंकि पापा तो अपने कामों में बिजी रहते हैं पूरे दिन, सुबह इधर उधर जाना, शाम को आना, पर मम्मियों के लाडले हो जाते हैं बच्चे, तो मम्मियाँ इन्हें बेड पे खाना देती हैं, कपड़े इनके प्रेस करके इन्हें देती हैं, स्कूल के टाई नहीं है तो टाई को प्रेस करके देंगी, बैच देंगी, है ना, वो चीज़ें स्कूल में देगी, तो यहाँ आके आपको बिहेवियर चेंजेस भी उसके साथ मिलेंगे। तो रैंक के साथ इसने सैनिक स्कूल पास होने जा, आप हो गए हो एक तरीके से, आपका स्कोर इतना अच्छा है, तो आपका आपकी चॉइस क्या है
आप कौन से सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं? कुंजीपुरा जाना चाहता हूँ। सैनिक स्कूल कुंजीपुरा हरियाणा के अंदर है। और आपका एम क्या है? सर मैं एनडीए को क्रॉस कर एनडीए के क्वालिफाई करने के बाद फिर सर एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट। अच्छा, आर्मी ऑफिसर आपका एम है। तो करण ये बताए मुझे कि कैसे मन में ये ख्याल आया कि मुझे सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है या कोचिंग करना है, या कब से आपने ये सोचा, कब ये प्लान बनाया कि अब मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लूँगा, अब मैं उसकी तैयारी करूँगा? नहीं, मैं तो पहले इतना पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था। पहले तो मैंने अटैम्प्ट किए थे लेकिन मैं उसमें पढ़ता नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम पापा ने कहा कि इतना लास्ट अटैम्प्ट है, ध्यान से पढ़िए, तो इस बार मैं सोच के आया था कि बस सिलेक्शन ले के जाना है। अच्छा करण, ये बताओ जब आपने अपना स्कोर कार्ड देखा तो कुछ फीलिंग्स आती है ना, क्योंकि हमने भी तैयारी की है, हम भी पढ़ते थे ना अपने टाइम पे, हम भी 12-12, 13-13 घंटे पढ़े हैं, पर जब पेपर होता है ना एक दिन, उस दिन प्रेशर रहता है और एक दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से पहले पता क्या नशे खड़ी हो जाती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे में 24 रैंक लेके जाना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होती है। और अक्षय, आपने जब अपना स्कोर देखा तो आपके अंदर कुछ फीलिंग आई, कुछ नर्वसनेस, कुछ अंदर से इमोशनल फीलिंग आती है ना, बहुत सारे बच्चे तो रोने लगते हैं, पेरेंट्स रोने लगती है। विख्यात की मदर से मेरी बात हुई ना, तो विख्यात की मम्मी तो रोने ही लगी। हाँ सुना था मैंने, विख्यात की मम्मी तो सर रोने ही लगी थी फोन पे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा पास होगा, तो रैंक के साथ ये सोचा था, हाँ पास हो सकता है, पर रैंक के साथ उन्होंने कम नहीं सोचा। तो अक्षय, ऐसी कोई फीलिंग आई आपको? हाँ सर, स्कोर कार्ड जब मैंने उस पर क्लिक करा था तो वो एप्लीकेशन नंबर भरने को आता, तो सर मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था कि क्या होगा, दग 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 दग, हार्ट बीट तेज चल रही होगी, है ना, बहुत ही ऐसा सोच रहा था कि 100 भी आ जाऊंगा कि नहीं। हाँ, खोला तो फिर वो उसमें 43 देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया सर, इमोशनल हो गई, खुश हो गई। सबसे पहले किसको बताया, किसके सामने देखा रिजल्ट? सब पापा दूसरे रूम में थे, तो फिर पापा के, आपने अकेले देखा, तो फिर तो और हार्ट बीट ज्यादा बढ़ गई होगी, सोते हुए जगह पे तो सो गया। अच्छा, गांव में रहते हो तो आप सो जाते हैं, नॉर्मली गांव में यही होता है, खेती बाड़ी का माहौल होता है तो कृषि में आदमी थक जाता है, तो क्योंकि गांव में लोग क्या जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ भी जाते हैं, 4 बजे उठना भी होता है उन्हें, तो जल्दी सो जाते हैं। तो आपने 10 बजे के करीब रिजल्ट देखा, शायद 9-10 बजे के करीब, है ना, तो पापा को जगाया नींद में, तो पापा का क्या रिएक्शन था नींद में? पापा को जगाया एकदम उठ गए थे और बहुत खुश हो गए थे, जैसे मैंने बताया कि ये रैंक आई है, पापा को यकीन नहीं हुआ, तो फिर मैंने वो स्कोर कार्ड भी दिखाया था। अच्छा, यकीन नहीं हुआ पापा को। अच्छा, दूसरा कौन सा इंसान था जिसने आपको, आपने जिसको बताया कि मेरा रिजल्ट आया? मेरी मदर थी। मदर थी, तो मदर के अंदर क्या फीलिंग, मदर ने आपको बहुत कैसा, मतलब आप अपनी मदर के फेस टू फेस आपने अपने मदर को फेस किया उस टाइम, तो आप के क्या इमोशनल रहे, क्या सीन रहे आपके? मैं रोने लगा था सच बताऊं तो, मतलब बहुत खुश हो गया था और मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, और मेरी मदर ने भी मतलब गले लगा लिया, मेरे को बहुत खुश हो गई थी, बहुत खुश हो गई, इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि पूरे साल ये बच्चे पूरे साल मेहनत इन्होंने की है, 12 घंटे 13 घंटे कभी छुट्टियां नहीं होती, दिवाली पे भी छुट्टियां नहीं है, जाते हैं घर पे ओनली इसी एम के लिए, इसी एम की वजह से आज यहाँ पे खड़े हैं। तो आज देखो कैसा फील हो रहा है, एक रिजल्ट खुशी वाला रिजल्ट होता है, उसमें से भी आंसू निकल के आ गए हैं। तो दूसरा आप बताओ, आप तो अकेडमी में रहकर ही रिजल्ट देखे, तो क्या रिजल्ट देखने के बाद घर में बात हुई? हाँ, पापा से बात करी। अच्छा, पापा से बात हुई, क्या कहा पापा ने रिजल्ट देख के? पापा ने पूछा कि क्या है रिजल्ट, तो मैंने कहा आप चेक कर लो, या तो बात कर लो या फिर आप बताया नहीं। अच्छा, क्यों? मैंने सोचा सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज देने के लिए, मतलब कि पापा को कैसे बोलूंगा मेरी 24 रैंक आई पूरे भारत में, तो एक अलग ही मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट लाने के लिए ना इन बच्चों ने एक ये मूवमेंट, ये पल हासिल, क्योंकि ये पल भी तो दोबारा नहीं आने, अब ये पल इनके अलग जुड़ जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, एनडीए का जब ये क्लियर करेंगे, सैनिक स्कूल में जाएंगे, फिर वहां से एनडीए देंगे, तो दोबारा भी ये मूवमेंट आएंगे, पर वो अलग, वो जॉब वाले मूवमेंट आएंगे, ये स्कूल वाले मूवमेंट आए हैं, वहां तो एक अलग फील ये आती है कि जिस दिन, उस दिन तो पता नहीं कौन कौन रोएगा घर में रिजल्ट को लेके, जब एनडीए का क्लियर हो जाता है तो एक फीलिंग, एक हैप्पी वाला रोना एक अलग होता है। और हम भी ने भी एग्जाम दिए तो हम भी जब अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि मेरा प्री का क्वालिफाई हो गया, तो पेरेंट्स खुश हो जाते थे और
वो चीजें होती थी, तो वो चीजें आपने महसूस की हैं। फिर पापा ने क्या कार्य जल्द देखे? फिर पापा उसके बाद में बात नहीं हुई उसके बाद। अच्छा, बहुत रात हो गई थी, लेट नाइट में रिजल्ट आया था, तो ये बात नहीं हो पाई दोबारा। तो आप क्या कहना चाहोगे अक्षर करण उन बच्चों को जो सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए सैनिक ग्लोबल एकेडमी में अभी प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं या आने वाले जो बच्चे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि जितना टीचर कहते हैं उतना कम्प्लीट बहुत बड़ी। आप कुछ कहना चाहते हो अक्षर? अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करो बेटा, क्योंकि आपको देख के ना बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे और आपको देख के ही वो अपना सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप उनके सीनियर होंगे, हो सकता है कि आपके ही देख के वो बच्चा यहाँ आए और वहां से आपके ही सैनिक स्कूल में वो पहुंचे। सर मैं कहना, मैंने जितना एक्सपीरियंस करा मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर तो सर यहाँ पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन सर बच्चे खुद भी मेहनती होने चाहिए। अगर वो खुद मेहनत करेंगे तो सर उनका हो जाएगा। हाँ, मतलब कि टीचर अगर अपना जितना टीचर ने, जैसे करण ने बोला कि जितना टीचर कराते हैं अगर वो बच्चे ने पढ़ लिया तो आराम से वो रैंक के साथ पास हो जाएगा। तो ये थे करण और अक्षय जो हमारे एकेडमी के रैंकर्स हैं क्लास नाइन्थ के लिए, और उनके फादर से एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सर अब भी कुछ फील हो रहा है या वो वाला मोमेंट आ सकता है अभी जो आपका आया पहली बार सोते सोते आपने, आपको पता चला कि मेरे बेटे की इतनी अच्छी रैंक आई है? हाँ सर, इसने हमें बताया अपनी मम्मी को, फिर मतलब आपको तो बिलीव ही नहीं हुआ जैसे कि अक्षय आदमी आप थे, आपको फोन किया था सर ऐसे ऐसे रैंक आई है। जी जी जी, ना मतलब आपको तो बिलीव ही नहीं हुआ कि जैसे बिलीव नहीं हुआ था कि ये रैंक के साथ कि 43 रैंक पूरे भारत में लाखों बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। यही उम्मीद थी कि पास हो जाए। हां बस ये उम्मीद थी कि हां एग्जाम पास कर लेगा, चाहे रैंक कुछ भी हो, आप 1000 हो या 1500 हो या 500 हो, 100 हो, 200 हो, मतलब 43 रैंक की तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ हम निकाल के लेके जाएंगे। जी सर, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली लास्ट में सैनिक ग्लोबल एकेडमी अपने, क्योंकि आपका भी बेटा है, करण भी आपके बेटे जैसा है और आने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे या पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर यही मैसेज देना चाहेंगे सर, जैसे सैनिक ग्लोबल एकेडमी के सभी टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और यदि बच्चे मेहनत करें जैसे टीचर पढ़ाते हैं उतना ही मेहनत करें, उनको याद करें तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जी ठीक है, तो ये थे अक्षय और करण और उनके फादर। तो ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई और यहाँ तक आज पहुँचे रैंकर्स के साथ। तो आप भी ऐसे ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जिन बच्चों का आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स बनने का सपना है तो वो ज्वाइन करें सैनिक ग्लोबल एकेडमी की। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैनिक ग्लोबल एकेडमी। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी कि क्या नाम है, 31 मार्च को हमारी एकेडमी में होने जा रहा है स्कॉलरशिप एग्जाम, जो कि 100% स्कॉलरशिप है, जिसमें 100% 10 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, 50% कुछ बच्चों को दी जाएगी 10 बच्चों को, और 10 बच्चों को दी जाएगी 20% स्कॉलरशिप। तो www.sainikglobalacademy.com की वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं और एग्जाम दिला सकते हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद एवरीवन।